ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी अच्छी तरह से भुन जा गया है, फ्राई हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं आलू को। इसमें थोड़ा सा और लाल होता, लेकिन लाडू को धारो बेटा, धारो 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 जल्दी पकड़ो उसको। ले रहे हैं आलू डाल के कढ़ाई में। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे आचल शर्मा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें फ्रेंड्स। तो देखिए अभी दोपहर के 3 बज रहे होंगे शायद, हम कह रहे हैं, और क्योंकि 2 बजे हम सब लोग को स्कूल से लाने गए थे। और अभी हमने देखिए आने के बाद हम दाल चावल बनाए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने सब्जी काटा है और इधर हम गोभी फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स, गोभी को भूंज रहे हैं इधर। और देखिए हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं, जो उधर देखिए देखिए लाडो को देखिए किस तरह, मतलब हम बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब हम बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लाडो को आप लोग देखें ही कितना परेशान कर रही है और रो रही है जो। और इधर हम देखिए गोभी फ्राई कर रहे हैं, आप लोग देखें ही। और अभी चलते हैं दाल को तैयार करने, क्योंकि अभी दाल सिर्फ सीझा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दाल, और अभी इसको छौंका लगाना है। ये देखिए हमारा दाल अच्छे तरह से सीझ गया, आप लोग देख सकते हैं एकदम। और इसी में कुकर में ही सब हो गया है, घटा वटा गया है सब, और कुकर में ही देख सकते हैं आप लोग अच्छे से सीझ गया फ्रेंड्स। और हमको इसको घाटने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना काम में बिजी थे फ्रेंड्स। देखिए इधर सब्जी काटे हैं, गोभी काटे हैं, पानी लाएँ और बहुत सारा काम था। इधर देखिए धनिया पत्ता काट कर चटनी पीसना है, रखे हुए हैं चटनी पीसने के लिए। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले दाल को एक कर लें, गरम कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा पानी डाले हैं तो दाल को गरम करना ज़रूरी है। उसके बाद छौंका लगाएंगे और इधर सब्जी हम भूंज रहे हैं, गोभी फूल गोभी फ्रेंड्स। और तब तक हम धनिया पत्ता काट लेते हैं। ये देखिए हमारा धनिया पत्ता, अब इसको काटेंगे और कुछ सब्जी में डालेंगे और चटनी बनाएंगे, इसका चटनी पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम टमाटर और प्याज को नहीं काटे थे, तो इसको हम काट लिए हैं अभी। और ये देखिए हमारा गोभी फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी अच्छी तरह से भुन जा गया है, फ्राई हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और आलू को, इसमें थोड़ा सा और लाल होता, लेकिन मेरी लाडू रानी देखिए कैसे रो रही है जो, असलोक संभाल रहा है उसको भी। ये देखिए दोनों खुद में ही मारा पीटी कर रहे हैं अर्नो असलोक। तो भी निकाल लेते हैं लाडो। हम काम कर रहे हैं लेकिन मेरा पूरा ध्यान लाडो पर ही है, क्योंकि रो रही है तो हमको मन भी नहीं लग रहा है काम करने में, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। आलू डाल देंगे कढ़ाई में, अब भून जाएगा, तब तक हम लाडो को ले लेंगे गोद में फ्रेंड्स। लाडो गोदी आने के लिए ऐसे कर रही है फ्रेंड्स, और कुछ बात नहीं है, उसको पेट भरा हुआ है और वो चाहती है कि हमको सब नीचे उतार दे, बस वो यही चाहती है लाडो कि हमको नीचे उतार दे ज़मीन पे, ताकि हम अच्छे से खेलें और बदमाशी कर सकें, सामान बिखरा सके, ये सब में इसको अच्छा लगता है, हर बच्चा को मन लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए रो रही है मेरी लाडो। ये देखिए आ रही है, लाडो को धारो बेटा, धारो 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 जल्दी पकड़ो उसको। ले रहे हैं आलू डाल के कढ़ाई में। इधर देखिए फ्रेंड्स हमारा दाल भी हो चुका है, हम किस तरह से हम काम कर रहे हैं, मेरी लाडो रानी कितना रो रही है जो। नहीं बेटा जी, ले रहे हैं बेटा लाडो, मत रो वो बेटा, तो बोले फ्रेंड्स हम दाल में छौंका लगा लेते हैं, नहीं तो मेरा दाल फिर ठंडा हो जाएगा। और लाडो तो रो ही रही है, दाल में छौंका लगा लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ले रहे हैं बेटा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा चीज़ निकाल लिया है। जीरा, इधर मिर्चा है, इधर तेज पत्ता है, लाडो जा रहे हैं। सबसे पहले लाडो को ले लेते हैं और इसको चुप करा देते हैं। लाडो आ जाओ मेरा बेटा सुगो। देखिए हम अपने लाडो रानी को नहलाए फ्रेंड्स। देखिए इसका बाल सूखा है और रबर नहीं लगाए हैं अभी क्योंकि बाल गीला था इसीलिए। और चले गए फिर लोग को लाने, फिर उधर से आए तो काम करने लग गए, खाना बनाने में लग गए फ्रेंड्स। नहीं लाडो तो फ्रेंड्स हम लाडो को लेकर चूल्हा के पास ही देखिए बैठ गए हैं और यहीं पर इसको हम गोदी में ले ले रहेंगे और इधर खाना भी बनाएंगे फ्रेंड्स। लाडो तो देखिए फ्रेंड्स हम लाडो को लेकर किस तरह से इधर लिए हुए हैं, उधर सब्जी भूज रहे हैं, इधर देखिए चटनी का भी तैयारी किए हैं। देखिए ये देखिए चटनी निकाले हैं पीसने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स चटनी की भी तैयारी किए हैं, चटनी पीसने के लिए इसमें जार में ले लिए हैं मिक्सी जार में। और इधर सब्जी भी भूज रहे हैं लाडो को लेकर, और गोद में भी लाडो है तो परेशान कर रही है हमको, माँ जी को नहीं समझती मेरी लाडो रानी, नहीं समझती है सुबह। लहसुन लाइए तोड़ना जी। देखिए हमारा दाल छट आ गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और उधर देखिए अर्णव जी लहसुन ला रहे हैं चटनी में डालने के लिए, धनिया पत्ता में डालने के लिए। देखिए इधर हमारा दाल है, रखिए ना, रुको लहसुन में डालेंगे तब ना। हमारा मसाला भून जा गया है फ्रेंड्स, तो अभी हम पानी डाल दे रहे हैं मसाला में, सब्जी में, सब्जी में पानी डाल दे रहे हैं। और दे रहे इतना लहसुन नहीं चाहिए था अर्णा जी, इतना लहसुन नहीं चाहिए था बेटा। अब तीन पोट लहसुन लेकर चले आए हैं ना, इतना तो थोड़ी चाहिए था, इतना नहीं चाहिए था लहसुन। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चटनी पिसा गया है और इसको स्लो पिसा है अभी, स्लो करना हम तीनों मिलकर पिसे हैं ना अर्णव, दिखा दो चटनी। ये देखिए हमारा चटनी पिसा गया है फ्रेंड्स, चलो ढक दो बेटा, ढक दो अर्णव जी, ढक दो। देखिए लाडो किस तरह से परेशान करते हैं, देखिए देखिए छोड़ो थोड़ी, चलो चलो पलंग पर चलो। तो फ्रेंड्स हम सब्जी रख लेते हैं, बाकी नहीं है जो। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सब्जी लगभग हो ही गया है, अभी सीज गया है लेकिन हाँ फ्रेंड्स हमारा सब्जी हो गया है तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम बच्चों के लिए खाने निकाल लिए हैं और हम भी साथ में बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे खाना, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है और भूख भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा बहुत। तो फ्रेंड्स 4 बज रहे हैं और सबको भूख लगी है, अभी हमारी लाडो रानी भी रो रही है, इसको भी दाल चावल खिला देंगे, खाएंगे तो साथ में ही। और फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।